मैं ग्रुप कमांडर हूँ अमृतसर ग्रुप का। तो आज मैं यहाँ पे कैंप देखने के लिए आया था। मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छा कैंप है, और जिस हिसाब से एनसीसी गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिल रही है, जो रिजर्वेशंस मिल रही है, जहाँ कि इनको बी सर्टिफिकेट के फ़ायदे, सी सर्टिफिकेट के फ़ायदे हैं, तो मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि इन बच्चों को पता होना चाहिए, ताकि एनसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आने वाले जनरेशन्स में इंडिविजुअल्स को बिल्कुल तैयार करती है एक अच्छा भारतीय होने के नाते। और मैं खुद एक एनसीसी कैडेट हूँ। हमारे एक कर्नल आपूर हैं, ये खुद एक एनसीसी कैडेट हैं, और एक एनसीसी ने जो कुछ देती है एक इंडिविजुअल को, जो कॉरपोरेट लाइफ नहीं देती है, और इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में नॉट ओनली सोसाइटी, चाहे कोई भी अभियान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें फ़ायदा देती है। और दूसरा, गांव वगैरह में या विजिट डिस्ट्रिक्ट वगैरह में लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, जो कि एनसीसी हर स्कूल में जाके, हर जगह जाके प्रोवाइड करता है। तो मुझे उम्मीद है कि और भी लोग यहाँ पे एनसीसी शामिल करेंगे, और आने वाले दिनों में एक एनसीसी और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। टोटल 7 कैंप चल रहे हैं हमारे अलग अलग जगह पे, हर एक बटालियन के कैंप चल रहे हैं, जिसमें कि नेवी का भी कैंप है, एयरफोर्स का भी कैंप है, और आर्मी के भी कैंप है। कितने टोटल? 8 ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे, इसके अंदर अलग अलग जगह पे हैं। तो इस एरिया में बेल्ट में अमृतसर के इस तरफ आज की डेट आज 3 कैंप चल रहे हैं, एक बटाला में है, एक गुरदासपुर में है, और एक चल रहा है यहाँ पे दीनानगर में। तो आज मैं इन तीनों कैंप्स को विज़िट करूँगा, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा इन सबसे इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि बच्चों में जो जोश है वो भरपूर रहे। Thank you.